हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चौधरी पावर टूल्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर हर टाइप का, जैसे ब्रेकर मशीन हो, ड्रिल मशीन हो, या फिर ग्राइंडर मशीन हो, रोटरी हैमर हो, डेमोलेशन हैमर हो, वो हम लोग रिपेयर करते हैं। तो हमको रिपेयरिंग के दौरान एक ही चीज़ का ध्यान विशेष रखना है कि जो भी मशीन हम खोले, अगर हो सके तो उसको आप लोग मिट्टी का तेल, केरोसिन या तो फिर डीजल आप जरूर यूज करिए। और जो भी मशीन रिपेयर कीजिए तो देखिए, उसका जो पार्ट्स होता है ना, पार्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अभी चलते चलते मशीन में जो पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ पुराना ग्रीस रहता है, वो सूख जाता है। तो उसको हमको सबसे पहले अच्छे तरीके से एकदम साफ कर लेना है। यदि अगर मशीन की सफाई कंप्लीट अच्छे तरीके से रहेगी तो उसका जो सर्विस है वो बहुत अच्छा रहेगा, मशीन स्मूथली चलेगी। इसलिए आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए कि रिपेयरिंग आप कैसे भी करिए, लेकिन मशीन को अच्छे तरीके से सफाई करके बनाइए तो मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सबसे मेन चीज यही रहता है कि बहुत दिन तक मशीन सर्विस नहीं होता है, फिर उसमें एक बैरिंग खराब होता है, फिर उसके बाद दूसरा बैरिंग खराब होता है, फिर ऐसे ऐसे करके उसके जो सभी पार्ट्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए मशीन की जो लाइफ है वो ज्यादा नहीं रह जाती है। तो रिपेयरिंग के दौरान आप डीजल वगैरह ले करके उसके पार्ट्स जो है वो अच्छी तरह से धुल लें, और करीबन 15 दिन से 20 दिन से हर मशीन को थोड़ी थोड़ी करके उसका सर्विस वगैरह एक महीने में तो आप करिए ही करिए। थोड़ी बहुत ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, वो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, मेरे पास में मैं सब सेल भी करता हूँ और रिपेयर भी करता हूँ। रिपेयरिंग का मेन काम है अपना, तो मैं जो भी मशीन रिपेयर करता हूँ उसको अच्छे तरीके से सबसे पहले उसका पार्ट्स एक एक डीजल से जरूर धोता हूँ, धो करके ही उसको वापस फिट करता हूँ ताकि मशीन में कोई भी प्रकार की अंदर दिक्कत नहीं रहे। मशीन कुल मिला के एकदम स्मूथ चलना चाहिए। तो चलिए, मेरे पास में आया है आज ये एक पत्थर पॉलिश करने वाला मशीन, जिसको हम पॉलिशर मशीन बोलते हैं, प्लानेट पावर कंपनी का है। तो मैं उसको आप लोगों को रिपेयर करके बताने वाला हूँ। तो आप लोग, उसमें बैरिंग का प्रॉब्लम है और प्लस आर्मेचर का भी प्रॉब्लम है। आप लोग कार्बन का प्रॉब्लम है उसमें, तो आप लोग कार्बन कैसे डाल सकते हो बढ़िया आसानी से खोल के। कार्बन के लिए आपको शॉप पे नहीं जाना पड़े, तो जो भी आप साइड पे किसी एक स्क्रू ड्राइवर है, अगर नया कार्बन है आपके पास में, बहुत सारे लोग साथ में कार्बन एक सेट रखना चाहिए, रखते भी हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी से इस पॉलिशर मशीन को कैसे खोल के उसके अंदर कार्बन रिप्लेस कर सकते हो और उसको एक अच्छे तरीके से आप घर पे भी, जैसे बैरिंग वगैरह रहता है, ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है, तो आप बड़ी आसानी से उसमें बैरिंग वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, जो सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, ऐसा जबरदस्ती नहीं है, यदि अगर आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे वीडियो, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी आगे नई वीडियो आए वो मेरे चैनल पे मिलती रहे। कोशिश यही करूंगा, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास में है वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझा पाऊं, बता पाऊं, ताकि आप लोगों को भी कोई मशीन को रिपेयर करने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, इस मशीन को रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीरीज में इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसी आवाज कर रहा है। तो अगर सीरीज में मशीन थोड़ी भी नहीं फ्री चलता है ना, तो समझ लीजिए कि उसका अंदर का जो वायरिंग होता है वो खराब हो चुका है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसका आगे का बैरिंग चेक कर लेना है। ये अगर यहाँ से हिलता हो तो समझ लीजिए कि आगे का जो यहाँ पर बैरिंग आता है हाउसिंग में, वो गया हुआ है। और अगर ये फ्री घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमको अंदर ही चेक करना पड़ेगा। प्लानेट पावर का मशीन है, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि ये कार्बन के जो तीनों नट आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इनको खोल के और इसका हम लोग कार्बन निकाल लेंगे। तो चलिए, मैं इसको इसके लिए इधर मशीन को थोड़ा कुछ खोल लेता हूँ। सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इसका जो ये तीनों नट है इसको खोल के, और ये जो कवर आता है
ढक्कन आएगा इसके ऊपर बंद करने के लिए, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद में हमको आर्मेचर बाहर निकालना पड़ेगा बैरिंग चेक करने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ये दो छोटे छोटे नट दिख रहे हैं आपको, एक ये साइड में लगा हुआ है, एक ये साइड में लगा हुआ है। तो ये नटों को हमको क्या करना है, देखिए ये वायर अंदर से फंसा हुआ है, तो इस वायर को बड़ी आसानी से ऐसे अलग कर देंगे। और देखिए यहाँ से कट भी हो रहा है वायर, तो ध्यान रखिएगा टैप वगैरह मार दीजिएगा, कट नहीं रहना चाहिए। तो ये देख सकते हो जो कार्बन के ऊपर कैप बैठते हैं ना, इनको हमको खोल लेना है, ये दोनों नटों को। तो इनको हम दोनों को खोल देंगे। अच्छा, जैसे कभी आपको कार्बन डालना हो मशीन में, समझो कि कार्बन चेंज करना है, तो भी कार्बन चेंज करने का भी यही प्रोसेस है जो मैंने बताया। इसका पीछे से खोलेंगे और यहाँ से इसका ये आता है कार्बन होल्डर के ऊपर फिट रहता है ये कैप, तो इसको हम खोल देंगे। ठीक है, कार्बन भी चेंज करने का यही प्रोसेस है। ये दोनों को हम लोग खोल देंगे। ये मैंने दोनों खोल के अलग कर दिया है। इसके बाद में कोई ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेंगे माइनस वाला पतला सा, और उसको यहाँ पर, ये यहाँ पर खांचा दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर धीरे से आराम से बिल्कुल ऐसे इसको थोड़ी सी इशारा देंगे तो ये बाहर निकल आएगा। खांचा होता है यहाँ पर, ये बैठा होता है, ये देखिए। तो आप लोग का अगर कार्बन पड़ा है उसके अंदर, तो आप कार्बन का ध्यान रखना, इधर उधर कहीं निकल के भग नहीं जाओगे। देखिए मैंने आपको बताने के लिए ये किया, तो कार्बन निकल के अलग हो गया। और कार्बन भी देखिए हमको इसमें चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन खाली थोड़ी थोड़ी ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, तो भी मशीन रिपेयर में आया है हमारे पास तक, तो हम इसको चेंज ही कर देते हैं ताकि अगले का नुकसान नहीं होए। दो तीन चार दिन बाद में उसको वापस लेके आना पड़ेगा रिपेयर के लिए, तो इसका कार्बन भी हम चेंज कर देंगे। कार्बन आप बड़ी आसानी से, आप जो कोई भी ये मशीन यूज करते हो, आप लोग बड़ी आसानी से कार्बन उसका चेंज कर सकते हो। यहाँ से ऐसे खोल करके इसके अंदर नया कार्बन स्वाप से लीजिए और उसको यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हो आप बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मशीन को हमने ये ऐसे ही, इसका जो दूसरे साइड का यहाँ पर फंसा हुआ है उसको भी ऐसे ही बड़ी आसानी से यहाँ से फिर जहाँ पर यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड का हमारा कार्बन निकल आया है, दोनों साइड का ही कार्बन हमारा खराब हो गया है, खत्म होने वाला है, ये समझो कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन चलने वाला है, तो हमको इसको चेंज ही कर देना है। तो चलिए यहाँ का प्रोसेस कर लिया। ये होल्डर आता है, इनको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए बढ़िया आप अच्छे से, और साफ करके फिर इसके बाद में हमको क्या करना है इसको, कि ये हैंडल इसको निकालेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जब मशीन पॉलिश के लिए चलता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सारा कचरा इसके अंदर सीमेंट के साथ में जम जाता है। तो हम लोग क्या है, इसका हैंडल अगर खुलता है तो इसको ढीला कर लेंगे, और ये हाउसिंग के चारों नट होते हैं, ये हाउसिंग के चार नट आएंगे, तो ये हाउसिंग के चारों नट हम लोग अब इसको, या तो आप ऐसे सीधे पकड़ के रखिए और यहाँ से ये नटों को पहले अच्छी तरह से साफ कीजिए, क्योंकि जंग खा जाते हैं यहाँ पर, कचरा जम जाता है सीमेंट वगैरह का, तो इनको साफ कर लीजिए। अगर आपके पास में WD स्प्रे है तो आप उसको मार दीजिए, बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा। यहाँ से हम इसके खांचे साफ कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको आप सीधा रख के खोल सकते हो। मेरे पास में तो ये वॉइस मशीन है जिससे मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर इसको फंसा लेता हूँ मैं। ये देखिए वॉइस मशीन है मेरे पास में, तो मैंने इसमें इसको फंसा दिया है, और फंसाने के बाद में इसकी ये जो नट है ना, थोड़ी फिट जरूर रहते हैं, तो अगर ज्यादा टाइट हो तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है बड़ी आसानी से खोलने के लिए, हाँ थोड़ी लीजिए और डिसमिस लीजिए, और यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर में थोड़ी सी आप धीरे से ऊपर से ठोकर मार दीजिए, इसमें ऐसे ठोकर मार देंगे ना तो थोड़ी नट क्या है जो जंग खाया हुआ रहता है ना, छूट जाता है और बड़ी आसानी से खुल जाता है, तो इसमें ठोकर मार देंगे हम, ठोकर मार के इसको ऐसे करके बड़ी आसानी से खोल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नट ऐसे रहते हैं जो बहुत फिट हो जाते हैं और नहीं खुलते हैं। यहाँ से इसको थोड़ी सी ठोकर चारों नट के ऊपर खोलने से पहले थोड़ी ठोकर मार देंगे ऐसे आराम से, तो ये नट क्या है खुलने में दिक्कत नहीं करते हैं, बड़ी आसानी से खुल जाते हैं। तो यहाँ से इस नट में भी हम ठोकर मार देते हैं,
और इसका चारों जो नट है इसको हम लोग खोल लेंगे। कार्बन डालने का प्रोसेस सिर्फ उतना ही है कि पीछे से आप लोग खोलोगे और वहां से वो कार्बन मैंने निकाला वैसे ही उसमें कार्बन फिट कर देना है। अच्छा, बैरिंग डालने के लिए चारों आगे के हाउसिंग से हम लोगों को खोलना पड़ेगा, तो चलिए इसमें भी हम थोड़ी सी ठोकर मार देते हैं। यहाँ से पीट देंगे इसको थोड़ी सी, यहाँ थोड़ी सी, और ये बड़ी आसानी से खुल जाएंगे। फिर यहाँ थोड़ी मार देते हैं तो ठीक है। तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर से यदि अगर एक भी बार स्क्रू ड्राइवर फिसल गया नट के ऊपर तो हमको फिर इन नटों को खोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खांचे जो होते हैं ना इसके ऊपर ये स्क्रू ड्राइवर अगर एक भी बार घूम गया और ऊपर से स्लिप हो गया तो समझ लीजिए नट फिर खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ठोकर थोड़ी सी मार ही दीजिए ताकि बड़ी आसानी से ये नट खुल जाए। यहाँ से मैं इस नट पे भी मार देता हूँ थोड़ी सी ठोकर और इसको भी बड़ी आसानी से हम लोग ऐसे खोल देंगे। वीडियो थोड़ी लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आपको क्या है समझने में आसानी रहेगी, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। और ये देखिए मैंने ये चारों नट खोल दिया इसके, इसको बड़े आराम से, क्योंकि गियर आता है, आप अगर पहली बार खोल रहे हो तो बड़े धीरे से मशीन को खोलिए ताकि आपका कोई भी पार्ट्स है ना खोलने में इधर उधर ना हो। इसको ऐसे आराम से निकाल देंगे और यहाँ से देखिए इसमें ये अंदर वाला गियर आता है, यहाँ पर ग्रीसिंग वगैरह हमको कर देना होता है। यदि अगर ग्रीस लगा देंगे अच्छी तरह से तो हमारा मशीन है ना वो बिल्कुल फ्री चलता रहेगा, स्मूथली चलेगा। इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसको साइड में रखने के बाद में कभी भी मशीन खोलिए, ये जो गियर होता है छोटा इसको चारों तरफ से आप हमेशा देख लीजिए ताकि इसके जो ये गियर की ये दांते होते हैं ये दांते कहीं घिस नहीं गए हों, अगर घिस गए हों तो फिर दिक्कत हो जाता है। और ऐसे ही इसमें जो आर्मेचर आता है, आर्मेचर जो रहता है इसके अंदर ये फिट रहता है, तो इस आर्मेचर के साथ में ही इसके दांते आते हैं, आप लोग देख सकते हो, तो उनको भी चेक कर लेना है आपको, क्योंकि कभी कभी ये आर्मेचर के दांते खराब हो जाते हैं ना तो आगे से मशीन फ्री घूमता है, यानी चलाते हैं तो अंदर से आर्मेचर घूमता है आगे नहीं घूमता है, तो समझ लीजिएगा कि उसका गियर गया है। अभी यहाँ से देखिए इसको हमने निकाल लिया, अभी एक तो यहाँ पर बैरिंग आता है, कभी कभी आपका आर्मेचर के साथ में रह जाएगा, कभी कभी इसके अंदर भी बैरिंग फिट रह जाता है और आर्मेचर ही निकल आता है, तो उस चीज में कोई परेशानी नहीं है। आप अगर इसके अंदर बैरिंग रह जाए तो आप आर्मेचर आराम से बैठा सकते हो। तो अब देखिए इसका ये वाला बैरिंग तो एकदम बराबर है, देख रहे हो आप बड़ी आराम से घूम रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसका जो पीछे का बैरिंग है, ये पीछे का बैरिंग इसका खराब हो चुका है, ये घूमने में थोड़ी दिक्कत करता है। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि इसको निकालने के लिए या तो फिर यहाँ से थोड़ी थोड़ी हल्का इशारा करके इसको और इसमें से ऊपर कर दीजिए। अगर ज्यादा फिट बैठा है बैरिंग, बिल्कुल फिट हो गया है, तो फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ से इसको पीछे के साइड से थोड़ी सी जगह रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर ऐसे फंसाइए, आर्मेचर की पत्ती में नहीं फंसना चाहिए, और यहाँ से धीरे से ऊपर की साइड को ऐसे खसकाएंगे इसको ऐसे, तो ये बड़ी आराम से यहाँ से इसकी बैरिंग बाहर आ जाएगी। देखिए ये जो इसका बैरिंग है, अब देखिए पूरा आर्मेचर है ना कॉइल के अंदर टकरा रहा है, तो इसका जो ये पीछे का बैरिंग है आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पीछे बॉडी में ही घूम रहा था, बाकी पूरा का पूरा जाम हो गया है बैरिंग। और इस बैरिंग को जाम होने की वजह से देखिए थोड़ी थोड़ी है ना ये चारों तरफ का इसका जो पीछे का बॉडी है वो घिस भी जाता है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ी कपड़ा वगैरह लेकर के और कटिंग करके ये जो होल अंदर दिख रहा है ना वहां पर जगह हो जाती है, गैप हो जाती है। जैसे ही बैरिंग खराब होता है, जाम हो जाता है, तो चारों तरफ घूम करके और बॉडी को खराब कर देता है, तो इसलिए वहां पर हम थोड़ी सी पैकिंग भी लगाएंगे, ठीक। तो ये बैरिंग हमारा खराब हो चुका है। अच्छा, आर्मेचर देखिए अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चलाने में स्पार्क नहीं करता है, आर्मेचर आग नहीं दिखाता है, तो हमारा आर्मेचर कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और आगे का बैरिंग देखिए बिल्कुल एकदम आराम से घूम रहा है, तो इसको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है।
इसको थोड़ी सी आर्मेचर को अगर पेपर वगैरह रहे आपके पास में तो बड़े आराम से 120 नंबर 60 नंबर का जो पेपर आता है ना, सॉरी 120 नंबर से नीचे का नहीं मारने का, 120 नंबर से ऊपर का ही मारने का, 120 है 180 है 220 नंबर है, ऐसा पेपर यहाँ से मार के बिल्कुल इसको क्लीन कर सकते हैं। इसका पीछे का बैरिंग के लिए ये जो पुलर आता है बैरिंग रिमूवर, ये 650 रुपए का आराम से मार्केट में मिल सकता है। तो थोड़ी बहुत आप काम करने के लिए इसको ले सकते हो ताकि आप जो बैरिंग है तो बड़े आराम से निकाल सको। यहाँ से इसको फंसा लेंगे। देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये छोटा सा जो है नुकीला खांचा रहता है, ठीक है, ये नुकीला खांचा रहता है और ये जो आर्मेचर का बीच में ये हल्का सा होल जैसा दिख रहा है ना आपको, ये इसके अंदर फिट हो जाता है, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा और यहाँ पर इसको आप आगे पीछे जिस हिसाब से एडजस्ट हो जाए ये, तो इसको यहाँ पर फंसा के आप हाथ से भी दबा करके रखोगे ना तो भी ये आपका बैरिंग यहाँ से वॉइस मशीन में दबाने का जरूरत नहीं है, इसको घुमा देंगे तो ये बैरिंग बड़े आराम से इसका निकल आएगा। ये देखिए इसका ये 608 नंबर बैरिंग आता है पीछे, तो इसका जो बैरिंग है ये बड़े आराम से निकल गया है और ये हो गया है खराब, इसको फेंक देते हैं। इसको हमने फेंक दिया, इसके बाद में हम छह सौ आठ नंबर का बैरिंग आप मार्केट से ले सकते हो। मैं तो HCH कंपनी का बैरिंग यूज कर रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी का बैरिंग आता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, बड़े आराम से चलता है। तो यहाँ पर हम लोग इस बैरिंग को निकाल के और इसके अंदर आर्मेचर के अंदर इसको फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसको पीछे से ऐसे बैठा लीजिए और कोई भी आपके पास में हथौड़ी है धीरे धीरे करके इसको थोड़ी सी, मतलब बाहर के खांचे में नहीं लगना चाहिए, कुल मिलाकर बाहर नहीं लगना चाहिए, नहीं बैरिंग में गैप हो जाएगा। जो अंदर वाला खांचा है इसका, इसमें आपको मार देना है, यहाँ से आप धीरे से मार दोगे तो भी बड़े आराम से ये बैरिंग आपका सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो फिर जैसे प्रेस मशीन है मेरे पास में, कोई ज्यादा लोड वाला काम रहता है तो प्रेस मशीन से कर देते हैं, नहीं तो ये छोटे मोटे काम ये आर्मेचर का बैरिंग आराम से बैठ जाता है। इसको बैठाल के अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जो पीछे गैप हो जाता है ना यहाँ पर बॉडी में, तो उसमें क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। उस चीज के लिए आपको थोड़ी एक ऐसा कपड़ा लेना है, बेस्टेज कपड़ा, मतलब रहे थोड़ी मजबूत रहना चाहिए, एकदम झीना कपड़ा नहीं रहना चाहिए। उसको जो हमारा बैरिंग है ना, ये वाला जो बैरिंग है ये, इस बैरिंग के थोड़ी थोड़ी साइड में चारों तरफ ये ऐसे जितना ये बैरिंग का यहां तक रहेगा ना, यहां तक इसको कट कर लेना है गोल चारों तरफ से। तो हम इसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके गोल कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बैरिंग में पीछे बॉडी जहां पर बैरिंग फिट होगा ना वहां पर फिर लूज हो जाता है, तो पीछे से है ना स्पार्किंग करता है आर्मेचर और कॉयल के साथ में टच होता है। तो ऐसे इसको काट करके आप लोगों को ऐसा गोल कर लेना है ताकि बैरिंग के ऊपर ही फिट हो जाए, ठीक है। नहीं यहाँ पर हम इसको बैरिंग के ऊपर रखने वाले हैं तो यहां से ये चारों तरफ सेट हो जाए। अच्छा इसके ऊपर क्या करिए, थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग ग्रीस लगा देंगे तो ये कपड़ा है ना ग्रीस के ऊपर चिपक जाएगा, ऐसे ग्रीस के ऊपर चिपक जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद में चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी कपड़े में भी लगा देंगे ताकि जब हम बॉडी के अंदर फिट करें उसको तो ये बड़ी आसानी से जा करके फिट हो जावे, क्योंकि सूखा कपड़ा रहेगा तो बॉडी के अंदर फिर बैठेगा नहीं और कपड़ा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी ग्रीस इसमें लगा देंगे और ग्रीस लगा करके फिर हम बॉडी के अंदर इसको फिट कर लेंगे। उससे पहले ये जो कैप आता है ना ऊपर, कॉयल कवर जिसको बोलते हैं, इसको यहाँ से बैठाल देंगे। बैठालने के बाद में यहाँ से इसको धीरे से इसके अंदर रख देंगे। फिर इसके बाद ये चीज ध्यान रखना है कि जो कपड़ा हमने पीछे लगाया है वो आप लोग ये यहाँ पर देख सकते हो, ये कपड़ा बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए चारों तरफ, बैरिंग के ऊपर ही रहना चाहिए। आप लोग बैठा लो और इधर उधर कपड़ा खिसक जाए तो उसके अंदर बराबर सेट नहीं होएगा तो फिर अच्छा नहीं पड़ेगा और खराब कर देगा जो है कुल मिला के।
तो अच्छे तरीके से चारों तरफ से घुमा करके आप लोग देख लेना, अच्छे तरीके से चारों तरफ कपड़ा बैठ जाना चाहिए। धीरे से इसको हल्का सा आप कोई भी लकड़े से, इसको हथौड़ी जैसे लिया हमने, इसको लकड़े से भी यहाँ से धीरे से बैठा देंगे, ठीक। और इसके बाद में हम यहाँ पर इसको रख देंगे ऊपर से, और इसको यहाँ से ऊपर से थोड़ी थोड़ी करके ठोकर मार देंगे, तो ये वाला जो बैरिंग है ये वाला भी बैठ जाएगा, और पीछे वाला जो बैरिंग है वो वाला भी आराम से बैठ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी ठोकर मार देंगे हम इसमें चारों तरफ, तो ये हमारा बड़ी आसानी से इसके अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए बैठ गया है, बिल्कुल यहाँ से आराम से घूम रहा है फ्री एकदम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कभी कभी आप क्या होता है, हमेशा चेक कर लेना, यहाँ से आर्मेचर को अगर हिला करके देखोगे आप, दोनों तरफ ऐसे ऐसे हिलाओगे ना आर्मेचर को पकड़ के, अगर इसमें गैप होगा, आपका जगह होगा, तो यहाँ से आर्मेचर थोड़ी थोड़ी लूज होगा। तो यदि अगर लूज होगा तो आपको पैकिंग देना है, नहीं तो नहीं देना है, क्योंकि पीछे से लूज रहेगा, जैसे ही वो प्रेशर में घूमेगा फास्ट वैसे इधर हिलेगा ऐसे ऐसे, तो जो कार्बन है वो ज्यादा जाएगा और कॉयल और आर्मेचर दोनों टचिंग होएगा। चलिए ये हमारा काम हो गया है। इसके बाद में ये जो गियर के दांते हैं इसमें, इसमें हम लोग ग्रीस लगा देंगे, थोड़ी नया ग्रीस डाल देते हैं। इसके बाद में ये गियर आएगा जो कि ये खांचे में फिट होगा, यहाँ पर इसको ऐसे आराम से हम लोग फिट कर देंगे। यहाँ पर ये बैठ गया, ठीक है। इस ग्रीस को ये पूरे गियर में चारों तरफ से हमको लगा देना है। यहाँ से नया ग्रीस लेंगे और ग्रीस को चारों तरफ से लगा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ग्रीस जरूर लगाना। और फिर इसके बाद में यहाँ से हम इसको, ये जो भाग है ये नीचे करके जैसा था वैसे ही इसको आराम से धीरे से ही सारा करेंगे, यार ऑटोमेटिक ही फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा, कोई फिट नहीं होता है। मैं इसको वॉइस मशीन में वापस से दबा लूंगा। और इसके जो चारों नट आते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास में अगर स्वैप चालू किए हो तो वापस रिपेयर करने के लिए मशीन आ सकता है। यदि अगर आप होम में ही इसको घर में ही ठीक कर रहे हो, तो ये जो नट होते हैं इसमें आप लोगों को ये ग्रीस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप थोड़ी थोड़ी इसमें ग्रीस लगा के फिट करिए, ताकि आगे जब आपको मशीन खोलना पड़े ना, तब आप लोगों को ये नट बड़ी आसानी से खुल जाए, खोलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सभी नटों में थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा करके हम इसको और ये चारों नटों को फिट कर देंगे। ये चारों नटों को आप लोग अच्छे तरीके से टाइट करिएगा, याद रखना ढीले नहीं रह जाएं एक भी। और ये चारों नट हमने कर दिए हैं फिट। अब हम इसके फिट करेंगे कार्बन, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जैसे वायर है, एक साइड में इधर ऐसी पत्ती आती है, नजदीक से दिखा दूँ, ऐसी पत्ती रहती है ऐसी है। लेकिन अगर खराब हो गई है पत्ती तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से वायर छील सकते हो, या तो फिर अगर पत्ती आपकी है और वहां पर लूजिंग हो गया है, तो आप थोड़ी जो टांका मारने वाली मशीन होती है ना आयरन, उसको यूज कर सकते हो। वायर भी छील के आप उसके अंदर डालना ही है, मैं बता देता हूं आपको। यहां से देखिए DU10 का हमने कार्बन ले लिया, और ये कार्बन ऐसा आएगा, मार्केट से आप लोग ले सकते हो, ऐसा रहना चाहिए इसमें, ऐसा छोटा कार्बन आएगा इसका, DU10 का मॉडल, ड्रिल मशीन का बोल सकते हो, DU10 का बोल सकते हो। तो अभी हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो ये पत्ती दिख रही है, पिन दिख रही है ना आपको,
ये वाली जो पिन है, इस पिन को जो ये होल्डर आएगा ना कार्बन के ऊपर का, इधर थोड़ी सी हल्का सा होल जैसा रहेगा, इसको इसके अंदर फंसा देना है। इसके अंदर फंसाएंगे हम, और इसके अंदर फंसा के यहाँ पर इसके अंदर पिन के अंदर फंसा देंगे। पिन के अंदर फंसा के यहाँ पर इसको, ये जो खांचा आता है ना, इसी के हिसाब से इसमें गैप भी आता है। बड़ी आसानी से इसको बैठा सकते हो। यहाँ पर इसको फिट कर दीजिए, और फिट करने के बाद में जहाँ पर ये उसका जगह है जहाँ से आपने निकाला है होल्डर का, उसी जगह पर यहाँ पर इसको बड़े आराम से हम लोग फिट कर देंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर फिट हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको ऐसे फिट कर देना है। दूसरे साइड का हमको होल्डर लेना है, दूसरे साइड का होल्डर लेंगे। देखिए इधर पत्ती नहीं है, तो यहाँ पर छोटा सा वायर निकाल के ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर, इसी गैप में हमारे को यहाँ से ये वायर फंसा देना है। ये वायर हमारा फंस जाएगा, बाद में इसके अंदर से कार्बन डालना है, पहले वायर ही फंसाना है। यहाँ से इसमें कार्बन डाल के और इसको भी वैसे ही बैठा देंगे जैसे हमने उसको बैठाला। खांचा आता है वो ऑटोमेटिक आपका, यहाँ पर एक खांचा जैसा रहता है, इसको आप प्रेस कर दोगे यहाँ से तो ये बड़े आराम से बैठ जाएगा। देखिए कार्बन बैठ चुका है हमारा, ठीक है, दोनों साइड के कार्बन हमारे फिट हो गए। ऐसे ही आप लोग को कार्बन चेंज करना है, कभी चेंज करने की जरूरत पड़े। के बाद में ये ऊपर के कैप आएंगे दोनों साइड के, यहाँ पर खांचा जो आता है यहाँ पर इसको आराम से कस देंगे। यहाँ पर भी चाहो तो आप ग्रीस लगा सकते हो, थोड़ी थोड़ी ग्रीस जरूर यूज कर दीजिएगा ये नटों में भी, ताकि आगे जब हमको फिर से खोलना पड़े तो खोलने में दिक्कत ना हो कभी। यहाँ से हम लोग इसको दोनों इसको कर देते हैं फिट। और देखिए ये यहाँ की हालत देखिए, इसमें ये वायर कट हो रखा है, तो अभी इसमें हम थोड़ी सी टैप लगा देते हैं। इसमें ले लेंगे थोड़ी सी टैप, टैप लेके इसके अंदर लगा देंगे वायर के, कि कट है कहीं भी टकरा सकता है। यहां से इसके ऊपर कार्बन होल्डर के ऊपर जो कैप आता है उसके अंदर से फंसा के और वायर को हम यहां से फंसा देंगे। देखिए ऐसे फंसा देंगे यहां पर, ठीक। इसके बाद में इसका जो ऊपर का कवर आता है इसको रख देंगे सीधा, और ऐसे बिल्कुल कंप्लीट फिट हो जाना चाहिए। जैसे ही ये बैठ जाएगा, आप इसके ऊपर के तीनों नट ले लीजिए, और ये नटों में हमेशा थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा दीजिए, ताकि आपको आगे खोलना पड़े तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये तीनों नट हम फिट कर देते हैं। चलिए ये हमारे तीनों नट फिट हो चुके हैं। अब इसको मैं सबसे पहले आपको सीरीज में चला के बताऊंगा। अगर किसी को सीरीज का सिस्टम नहीं मालूम है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना सीरीज कैसे बनाते हैं, मैं आप लोग को बना करके बता दूंगा। देखिए इसको सीरीज में चलाएंगे तो अभी ये पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ठीक है। बिल्कुल पहले जैसा आवाज कर रहा था वैसा नहीं, ये देखिए थोड़ी सी दबाते हैं तो ये घूम जाता है, ऐसे घूम जाना चाहिए। इसको एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं।
भी आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से मक्खन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही ये प्लैनेट पावर कंपनी का मशीन है और पॉलिशिंग के यूज में आता है, जो मार्बल पत्थर में और इसमें पॉलिश करते हैं। तो ये मशीन हमारा बनके रेडी हो चुका है और